खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक से अमरीकी महकमा खारजा के नुमाइंदे दिलावर सैयद से नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में मुलाकात की गई। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक से मुलाकात के मौके पर नुमाइंदे कराची में मुतमईन अमरीकी काउंसिल जनरल मार्क इस्ट्रो और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर अमरीकी नुमाइंदे खसूसी को NED यूनिवर्सिटी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा कराया गया। इस मौके पर की वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना था कि पाकिस्तान अपने टाइम जोन और माहिरीन के हवाले से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अहम मरकज है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी से पाकिस्तान ICT इकोसिस्टम के हवाले से मुफीद गुफ्तगु हुई। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी दिलावर सैयद का कहना था कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तानी IET माहिरीन की खिदमत से फायदा उठा रही हैं। पाकिस्तान के नौजवान और बासलायत आबादी अमरीकी सरमायाकारों के लिए कोशिश रखती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शोबे में बिजनेस का हजम मजीद बढ़ाया जा सकता है।